शिवानी कुमारी ने बैक पैक करवाया चंद्रिका का, क्योंकि कभी भी किसी का एलिमिनेशन हो सकता है इन तीनों में से। वेल, स्टेपर 3 घंटे तक के कंटेस्टेंट ने चलाया, जिसकी वजह से चंद्रिका भी डेंजर जोन में आ जाती है। अगर ये स्टेपर 3 घंटे तक के नहीं चलता तो चंद्रिका सेव हो जाती, फिर पॉलमी और मुनीषा में से किसी एक का एलिमिनेशन होता। अब इन तीनों में से किसी एक का एलिमिनेशन हो सकता है, जो कि लव डिसाइड करेंगे। अब चंद्रिका को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो काफ़ी रो भी रही थी, काफ़ी अपसेट भी थी, उनको लग रहा है कि शायद वो भी जा सकती है। और ये कंटेस्टेंट जो ना अपना अपना बैग पैक कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फौरन यहां पर बोला जाता है कि फलाना बाहर आ जाए तो उनको जाना पड़ता है, और उस वक्त ही तैयारी अपनी करके नहीं जा पाते, बहुत सारी चीजें जो है ना वो छूट जाती है। तो वो शिवानी से कहती है कि चल तू मेरा बैग जो है ना पैक करवा ले। यहाँ पर शिवानी चंद्रिका को बोलती है कि जब हम बिग बॉस के घर में आ रहे थे, जब आपको देखा तो हमको ये लगता था तुम बहुत ज़्यादा लड़ती होगी, क्योंकि उसी तरीके के वीडियो आए थे तुम्हारे, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारी पर्सनालिटी हम देख रहे हैं बिल्कुल अलग है। वेल, यही चीज़ कहीं ना कहीं चंद्रिका को पछाड़ ली है, क्योंकि जब चंद्रिका को लाया गया है बिग बॉस के घर में, कहीं ना कहीं इसी वजह से लाया गया कि चंद्रिका लड़ेगी बिग बॉस के घर में। लेकिन चंद्रिका बिग बॉस के घर में अपना एक अलग ही रूप दिखाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऑडियंस भी काफी कंफ्यूज है कि ये वाली चंद्रिका रियल है या फिर बाहर वाली चंद्रिका जिसकी लड़ाई हुई थी। और कहीं ना कहीं बिग बॉस भी इसी वजह से लेकर के आए, जो भी चंद्रिका की बार फाइट्स होती थी, जिस तरीके से वो लोगों को जवाब देती थी, जो भी उनकी कंट्रोवर्सीज थी, उसी के बेसिस पर इनको शो में लेकर के आया गया। लेकिन चंद्रिका बिग बॉस के घर में आकर के बिल्कुल अपोजिट नजर आ रही है, इनकी हर किसी से बन रही है, सिर्फ खाना पकाती हुई ज़्यादातर नजर आती है, इनकी कोई लड़ाई झगड़े उतने होते नहीं, हर किसी के मुँह पर ये अच्छी बन रही है। और कहीं ना कहीं ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से अब चंद्रिका हो सकता है कि एलिमिनेट भी हो जाए, क्योंकि बिग बॉस को वो फैक्टर जो है ना नहीं मिल रहा है चंद्रिका में, जिसकी वजह से उनको लाया गया है। अब देखते हैं कि लव किश किसको एलिमिनेट करते हैं और बिग बॉस बॉटम टू में किसको डालते हैं। बिग बॉस ने थोड़ा टाइम मांगा है कि जनता का फैसला अभी नहीं आया है, तो थोड़ा टाइम मांगा है, जल्दी बिग बॉस सबको बताएंगे कि बॉटम टू में कौन है। उसके बाद लवकेश को डिसाइड करना कब पड़ेगा कि इन बॉटम टू में से किसको एलिमिनेट करना है। देखिए, मुनीषा तो कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि मुनीषा की बहुत अच्छी लवकेश से बनती है, तो जाहिर सी बात है पॉलमी और चंद्रिका में से कोई एक एलिमिनेट होगा। लेट्स सी, देखते हैं किसका एलिमिनेशन होता है। थैंक यू।